দেড় মাসব্যাপী সময় নিয়ে সম্পন্ন হলো লোকসভা নির্বাচন। শনিবার সপ্তম অর্থাৎ শেষ দফার ভোট গ্রহণ সম্পন্ন হলো গোটা দেশ জুড়ে। এদিন গোটা দেশের মধ্যে মোট 57 আসনে নির্বাচন সম্পন্ন হয়, তার মধ্যে বাংলার ছিল 9 আসন। এদিন ভাগ্য পরীক্ষা নরেন্দ্র মোদি থেকে শুরু করে তৃণমূলের সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় সহ এক ঝাঁক হেভিওয়েটের। গণতন্ত্রের শ্রেষ্ঠ উৎসব নির্বাচনকে কেন্দ্র করে সাজো সাজো রব ছিল গোটা দেশ জুড়ে। শেষ দিনে নিজের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগ করলেন বহুজন সমাজবাদী পার্টির নেতা তথা বিশিষ্ট সমাজসেবী সরফরাজ খান। 2019 সালে তিনি নিজেও লোকসভা ভোটে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন। এদিন মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে ভোট দিয়েছেন, ফল কী হবে তা সময় বলবে। তবে এবারের ফল অনেক কিছু বদলে দেবে বলে মত সরফরাজ খানের। পিছলি বার 2019 মে লোকসভা ক্যান্ডিডেট রহ চুকা হুঁ আর ইসি সাউথ কলকাতা কে সিট পে, और इस बार मैं नॉमिनेशन नहीं किया हूँ। वजह यही है कि मैं नहीं चाहता हूँ कि हमारा माइनॉरिटी वोट सेकुलर वोट कोई डिवाइड हो जाए, और इस डिवाइड ना होने के वजह से मैंने नॉमिनेशन नहीं किया। और मैं ये चाहता हूँ कि हमारे इस भारत में अगर सेकुलर वोट और ये काम के ऊपर वोट और किसी भी धर्म को राजनीति से ना जोड़कर अगर सेकुलर काम के ऊपर ईमानदारी से अगर वोट किया जाए तो ये भारत उन्नति और तरक्की कर सकता है। और रहा हमारे ये साउथ कोलकाता इस लोकसभा जो सीट है, ये सीट में बीजेपी भी कैंडिडेट दिए, बीएसपी भी कैंडिडेट दिए और टीएमसी भी दिए और इंडिया गठबंधन भी दिए। इंडिया गठबंधन जो कांग्रेस और सीपीएम के कैंडिडेट, टीएमसी जो खुद को कह रही है मैं इंडिया गठबंधन के साथ हूं, लेकिन जब इंडिया गठबंधन के साथ होने के बावजूद भी उन्होंने अपना कैंडिडेट अलग किया तो ये गठबंधन कहां गया ये पता नहीं। हमें तो लग रहा है ये सेकुलर वोट माइनॉरिटी वोट जो साउथ कोलकाता में है ये वोट कहीं डिवाइड ना हो जाए और इसका बेनिफिट बीजेपी को ना मिल जाए, यही डर है साउथ कोलकाता में कि हमारे इस सेकुलर वोट को डिवाइड करने का ये एक अच्छा तरीका चुना है जो इंडिया गठबंधन बोलकर, इंडिया गठबंधन से हटकर, इंडिया गठबंधन अपना कैंडिडेट देता है और टीएमसी अपना कैंडिडेट देता है और हमारे ये साउथ और मैं खुद सेकुलर वोट को यूनाइटेड करने के लिए मैं खुद कैंडिडेट नहीं बना ताकि मुसलमानों का वोट डिवाइड ना हो और यही डिवाइड से बचने के लिए। लेकिन इन्होंने बड़े बड़े दानिशमंद लोगों ने इंडिया गठबंधन में शामिल होकर भी वहाँ से हटकर इंडिया गठबंधन अपना कैंडिडेट दे रहा है, टीएमसी अपना कैंडिडेट दे रहा है, यहाँ पे सेकुलर वोट डिवाइड हो रहा है, मेजोरिटी वोट यूनाइटेड होकर कहीं निकल ना जाए ये एक डर सा है। मैं अपने तमाम लोगों से गुजारिश करूँगा कि आप अपना वोट अपनी मत से जाकर दें और ये वोट आपका राइट बनता है। ये वोट से आप अपने डॉक्यूमेंट्स को भी बचा सकते हैं। ये वोट आपका दुआ करें कि ये इंडिया गठबंधन की सरकार बने, वरना कहीं ये वोट आपका आखिरी वोट ना हो जाए। जिस तरह से अभी वोटर्स वोटिंग दिए जा रहे हैं, मतदाता मतदान कर रहे हैं, आपको क्या लगता है क्या हवा बदलने वाली है? हवा तो बदल चुका है, हवा शुरू से ही बदल चुका है, क्योंकि भारत में लोगों ने जब तक अंगूठा छाप था उस वक्त अंगूठा वाली बात कर रहे थे। अब कुछ हो या ना हो, लोग गरीब से गरीब, अब ठेला वाला हो, रिक्शा वाला हो, टाई वाला हो, अपने बच्चे को पढ़ा लिखा कर एक तालीम के मैदान में उतारा है। अब जिस बच्चे के जहन में तालीम होगा, जो बच्चा पढ़ा लिखा होगा, वो कभी भी जाहिलियत वाला काम नहीं कर कर देश किस तरह डेवलप हो, देश किस तरह नौजवाने के हाथ में जाए, देश किस तरह तरक्की करे, देश किस तरह जीडीपी हाई हो, देश का किस तरह तरक्की हो, उस राह को, उस सरकार को चुनने की कोशिश करेगा। जिस तरीके से जो सेकुलर ताकत और एक तरह से देखा जा रहा है वोट का जो बंटवारा हो रहा है, क्या लगता है आपको दूसरे को मौका मिल सकता है? जी हाँ, इसमें सरासर मौका मिल सकता है, जबकि ये साउथ कोलकाता सीट टीएमसी का एक पॉकेट सीट है। इस सीट पे अगर चाहे नरेंद्र मोदी भी आकर खड़ा हो जाए या पूरी कैबिनेट मिनिस्टर आके नॉमिनेशन कर ले डीमी बनकर भी, हमें नहीं लगता कि वहाँ से सीट निकाल लेगा। लेकिन
इंडिया गठबंधन और टीएमसी अलग होकर बीजेपी को फायदा दिया जा रहा है। लेकिन नरेंद्र मोदी चैलेंज के साथ बोल रहा 35 सीट पश्चिम बंगाल में आएगा, ये हमारी हथेली में बाल हो जाएगा, तभी बंगाल में 35 सीट ला सकता है। जब विधानसभा में ये इंडिया गठबंधन के साथ होती, टीएमसी इंडिया गठबंधन के साथ होता, तो इसमें 42 में बीजेपी 3-2-4 में लॉक हो जाता। अगर ये साथ नहीं होने के कारण आज बंगाल में सेकुलर वोट, जो बंगाल में 55% वोट है सेकुलर, ये डिवाइड हो गया। ये यूनाइटेड होता, मेजोरिटी वोट यूनाइटेड होता, तो आज बीजेपी 4-5 में लॉक होता बंगाल में। सोना, कल मैं न्यूज में देख रहा था कि स्विस बैंक से, ये विदेश से हमारे भारत का ही सोना जो वहां रखा जाता है ड्यू टू सिक्योरिटी रीजन के वजह से वहां रखा जाता है, अब वो सोना 1,00,000 टन भारत में मंगाया गया। हमें अब डर है कि रेल को बेच दिया, सेल को बेच दिया, भारत के हर एक LIC को बेच दिया, सारे चीजों को बेचने के बाद हमें अब डर है कहीं विदेश की सिक्योरिटी में जो हमारे भारत का सोना था 1,00,000 टन, कहीं इसे ना बेच डाले। मैं भारत के आवाम से एक ही गुजारिश करूंगा कि अपने देश को बचा ले और इंडिया गठबंधन को वोट करें। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 10।